नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो बता दें कि 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि किन नियमों के तहत बढ़ाया गया यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगे, निजी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय में 50% कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। तो बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन 4 लागू कर दिया गया और एक सप्ताह के लिए बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस लॉकडाउन की जानकारी दी है। तो बताते चले कि व्यापार के लिए छूट मिलेगी इस लॉकडाउन 4 में और इस दौरान बिहार में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो बताते चले कि बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी, निजी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। वहीं सरकारी कार्यालय में 25% कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। एक बार फिर से बिहार लॉकडाउन की 4 की ओर आगे बढ़ा है। तो बिहार में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन लागू किया गया है और सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संपादक हमारे संवाददाता मरगू आलम जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगू, एक बार फिर से बिहार में लॉकडाउन 4 लागू किया गया है, किन रियायतों के साथ यह लॉकडाउन 4 लागू किया गया है, क्या है जानकारी? देखिए, सबसे पहले कशिश न्यूज ने ही इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दिया था कि एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा गया है और उस समय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक चल रही थी और हमारे ठीक खबर चलने के ठीक बाद माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया और कशिश की खबर पर मुहर लग गई कि एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिन के 12 बजे जब हमारी बातचीत हुई थी संपादक संतोष जी से तो उनको हमने बताया था कि अनलॉक होने जा रहा है। अनलॉक का यह मतलब है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है धीरे धीरे। अब देखिए, हमने जो कशिश न्यूज ने जो खबरें चलाई थी वो सही हो रही है कि ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा, 6 से 2 बजे तक का ड्यूरेशन किया जा रहा है। एक दूसरा, ऑड वन के तहत से दुकानें खुलेंगी अल्टरनेट डे में। अगर आप समझिए कि अगर आप आज मंडे को अगर कपड़े की दुकान खुलेगी तो अगले दिन कपड़े की दुकान बंद रहेगी, वो ऑटोमोबाइल की दुकान खुलेगी। इसी तरीके से वो तय डीएम करेंगे कि कौन दिन कौन दुकानें खुलेंगी। दूसरा, 6 से 2 बजे तक दुकान का समय किया गया है। हर दिन आवश्यक सेवा की जो दुकानें हैं वो 6 से 2 बजे तक खुलेंगी। 6 से 2 बजे तक जो सब्जी मार्केट है वो 6 से 2 बजे तक खुलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन राज्य सरकार अभी भी बंदिश के साथ लोगों को छूट दे रही है। इसके पीछे कारण है कि संक्रमण का दर जो है सरकार और चाह रही है कि काफी नीचे आ जाए, जो हालात आज से 4 महीना पहले बिहार में थे उस तरह की स्थिति हो जाए, तब जाकर के होगी। दूसरा, जो निजी कार्यालय है उनको कंप्लीट बंद रखा गया है। तीसरा, 25% ही लोग अब सरकारी कार्यालय में, इसका मतलब है जो सरकार की कार्यालय है वो 25% कर्मचारी के साथ चलेंगे और सचिवालय में विभागों में 25% ही लोग आएंगे। तो कहीं ना कहीं अनलॉक 1 की ये प्रक्रिया कहा जा सकता है करिश्मा, और ये शुरू हो गई है। अब जैसे जैसे एक सप्ताह के बाद और संक्रमण घट जाएगा तो और छूट दी जाएगी। उसके बाद जब संक्रमण बहुत हद तक घट जाएगा, लगभग निम्न स्तर पर जाएगा, तब जाकर के राज्य सरकार पूरी तरह से अनलॉक करने के बारे में सोचेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हो गई है और राज्य सरकार ने कई छूटों के साथ व्यापारियों को छूट दी है और फिलहाल निश्चित तौर पर राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन वो लॉकडाउन छूट के साथ है। करिश्मा, बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। बिहार में बेलगाम हो चुके कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, वही मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी जा रही। राज्य में पिछले 24 घंटे में जहां कोरोना के 1475 मरीज मिले, वहीं एक्टिव केस की संख्या भी घटकर अब 18,377 तक पहुंच गई है। और सबसे अच्छी बात यह कि पटना के अलावा बिहार के सभी यानी 37 जिलों में 100 से कम मामले सामने आए हैं। पटना में जहां 161 मरीज मिले, वहीं अररिया में 63, बेगूसराय में 58 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी अब 50 के करीब पहुंच गया है। वहीं राज्य में 24 घंटे में 52 मरीजों की मौत दर्ज की गई, तो वहीं 4,130 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं।
जिस तरह से बिहार के संक्रमण दर में तेजी से गिरावट हो रही, वहीं रिकवरी रेट में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 96.67% तक पहुंच गया है। बात झारखंड की तो झारखंड में तेजी से संक्रमण दर घट रहा। लगातार संक्रमितों की अपेक्षा कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण एक्टिव केस 10,000 से भी कम हो गया। राज्य में बीते 24 घंटे में 703 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जबकि 1,724 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 19 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है, जिसमें अकेले रांची से 13 मरीजों की मौत हुई। राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक हजारीबाग में 105, पूर्वी सिंहभूम में 96, रांची में 72 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 4,977 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें कुल एक्टिव केस 9,906 है। कोरोना को लेकर राजधानी रांची में टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है और लगातार टीकाकरण को लेकर अब आम लोग भी जागरूक हो रहे हैं। रांची के सेल सिटी में भी वहां रह रहे लोगों के लिए वैक्सीन कैंप लगाया गया है, जहां 150 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। सेल सिटी के एसके तिवारी ने बताया कि सेल सिटी परिसर में कैंप लगाकर 150 लोगों को वैक्सीन दी गई है और आने वाले दिनों में भी कैंप लगाया जाएगा ताकि सभी लोग वैक्सीन ले सके। लोगों ने भी कहा कि वैक्सीन बहुत ही जरूरी है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है थोड़ा, इसलिए जरूरी है। और अपना प्रिकॉशन, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, डिस्टेंसिंग, ये सब का पालन करना जरूरी है, तभी आप अपने आप को सुरक्षित और लोगों को सुरक्षित रख सकेंगे। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, इससे आपकी इम्यूनिटी को असर पड़ेगा और आप वैक्सीन लेने के बाद भी घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें और जब भी जाएं मास्क पहन के ही निकलें। ये हमारी और हमारे बीच के सबकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, ये आज की मांग है और इसी को हम लोगों ने थोड़ा ईज करने के लिए, आसान बनाने के लिए ये प्रयास किया है कि हमारे सेल सिटी के जो निवासी हैं उनको बहुत दूर न जाना पड़े और हम एक जगह पे इस सुविधा को दिला पाए, और उसी के तहत ये मोबाइल वैन की सेवा आई है। और आज हम लोगों का ये प्लान है कि हम लगभग 150 लोगों को वैक्सीनेशन करा पाए और उसी का रजिस्ट्रेशन। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव पे। संदीप, एक तरफ झारखंड में कोरोना को लेकर हालात काफी बेहतर होते जा रहे हैं और लगातार रांची में भी अगर बात की जाए तो टीकाकरण का कार्य लगातार जारी है, वहीं सेल सिटी में भी वैक्सीन कैंप लगाया गया है। वहां कितने लोगों ने अब तक कोरोना की वैक्सीन ले ली है? जी, जिस तरह से अब संक्रमण घट रहा है और वजह है कि जो लोग हैं वे भी सतर्क होते जा रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, यही वजह है कि लगातार जो कोरोना का टीका पड़ रहा है तो अब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं इसमें, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं लोगों में भ्रांतियां कई तरह की थी जिसके कारण वे वैक्सीन नहीं लेते थे। और जिस तरह से लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं और सोसाइटी के लोग भी अपनी पहल से, जैसे जिस तरह से कल आज की बात करें तो सेल सिटी में कैंप लगाया गया वैक्सीन के लिए और लगभग 150 लोगों ने वैक्सीन लिया है और लोगों ने कहा है कि वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है इस कोरोना को मात देने के लिए। और जिस तरह से संक्रमण पूरे विश्व में बढ़ रहा था तो कोरोना का एक ही इलाज सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन और जो सैनिटाइज का प्रयोग है, मास्क लगाएं, ये सब चीजों को करें। और जिस तरह से जितने लोग कल सेल सिटी में वैक्सीन लिए हैं उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ले लिए हैं तो हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, उसके बावजूद भी हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है या अनिवार्य है, इसका पालन उसके बाद भी करना है। तो लोग कहीं ना कहीं अब जागरूक हो रहे हैं और सेल सिटी के प्रबंधन की ओर से भी जो पहला दिन कल कैंप लगाया गया था उसके बाद भी इस तरह के कैंप वहां पे लगाए जाएंगे ताकि वहां जो हजारों लोग रहते हैं उनको आसानी से वैक्सीन का जो डोज है वह पड़ सके। तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं सेल सिटी में फिर से यह कैंप लगाया जाएगा जिसमें लोग वैक्सीन ले पाएंगे। जी बिल्कुल, तो एक अच्छी पहल है टीकाकरण के कार्य को लगातार आगे बढ़ाने का। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खगड़िया में अगवा हुए मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रखंड मंत्री अशोक सैनी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लिहाजा अशोक के परिजन किसी अप्रिय घटना की आशंका से डरे समे हुए हैं। अपहरण की पत्नी और
उसके इकलौते बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस का दावा है अशोक की सकुशल बरामदगी को लेकर सदर एसडीपीओ की अगुवाई में पुलिस की टीम खोजबीन कर रही है। पुलिस ने चुनावी रंजिश में अपहरण होने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक सनी नगर परिषद इलाके के बलुआही का रहने वाले हैं। वह गैर सरकारी संगठन मत्स्यजीवी सहयोग समिति के खगड़िया सदर प्रखंड के मंत्री हैं। अशोक को बदमाशों ने मुफस्सिल थाने इलाके के कोठिया ढाला के पास 30 मई को अगवा कर लिया था। कार सवार बदमाशों ने अशोक को तब अपहरण किया जब वह शोभनी गांव से बाइक से अपने घर लौट रहे थे। अशोक के परिजनों ने मत्स्यजीवी समिति के पूर्व प्रखंड मंत्री सिकंदर सहनी पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। आखिर क्यों किया अपहरण? क्या उससे दुश्मनी? दुश्मनी यही इलेक्शन में जो खड़े होते हैं। अच्छा, मतलब दोनों हमेशा वो मतलब एक बार दूसरे को गोली मार के फंसा दिया था। अच्छा, दोनों से दुश्मनी चल रहा है, राजनीतिक दुश्मनी। शोभनी से जलकर देख के आ रहा था शोभनी तरफ से, और कोठिया ढाला के पास, रेलवे ढाला के पास अज्ञात अपराध कर्मी जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से उसको ओवरटेक किया और रोका और उसको बैठाया गाड़ी पर। मोटरसाइकिल से आ रहा था और गनगोर तरफ ही आगने की सूचना है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इस संबंध में जो है जहानाबाद में दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। यह वारदात जहानाबाद शहर के नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र पुस्तकालय के समीप हुई है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी अनिल कुमार और आभूषण खरीदने आई महिलाओं से करीब 6 लाख रुपए का आभूषण लूटकर फरार हो गया। दिन दहाड़े लूट की इस घटना से सनसनी फैल गई। व्यवसायी अनिल कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के कारण आभूषण की दुकानें बंद है। वह अपने पुराने ग्राहक के घर में शादी को लेकर जेवर बनाने का ऑर्डर लिया था। वहीं इन्हीं जेवरात को लेने के लिए महिलाएं आई थी। व्यवसायी दोनों महिलाओं को अपने घर पर आभूषण दिखा रहा था। इसी दौरान दो नकाबपोश हथियारबंद अपराधी घर में घुस गए और सभी लोगों को बंधक बनाकर झोले में रखे आभूषण और दोनों महिलाओं के पहने हुए सोने की चैन आदि लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। जैसे तोले वैसे आगे देखा सड़क पर, उसके बाद अंदर गया और दोनों निकाल दिया अपना अपना सामान, और दोनों निकाल के मतलब बोला कोई हिलेगा नहीं, चलो चलो ऊपर। सब तो दम लगता है, दम जोर कर लेता अग्रेसिव टाइप का लग रहा था, लग रहा है चला देगा वो, अगर हम लोग कुछ करते ना तो चला देता ऐसा लग रहा था। और बस उसी ने पूरा उनका थैला उठा लिया, कैमरा क्या था तो बताएंगे। बढ़ गए खबर की ओर। कोशी का आतंक कहे जाने वाले 50,000 का इनामी बदमाश गुड्डू यादव अपने दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने यह कार्रवाई की। एसटीएफ ने मधेपुरा के इलाके से इसे गिरफ्तार किया। गुड्डू यादव पर कई गंभीर मामले दर्ज है। राज्य सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। इसके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए देश में होड़ मची हुई है। वहीं कुछ लोगों के गलत प्रचार के कारण गांव में अभी भी लोग वैक्सीन की भ्रांतियों में वैक्सीन लेने से स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को खदेड़ रहे हैं। बक्सर सदर प्रखंड के बरूना पंचायत के बिशुनपुरा गांव में गई वैक्सीनेशन टीम को ग्रामीणों ने भगा दिया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने ही एक वीडियो के माध्यम से अपने वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों का कहना था कि यहां कोरोना नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों को टीकाकरण से होने वाले फायदों के बारे में बार बार बताने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आप लोग समझ
चार आदमी है, एक ले लीजिएगा, सब खाना लीजिएगा। देखिए अभी हम घूमते क्या है, ये नहीं ले रहा है, का घूमे जब कोई नहीं ना, सब यहाँ आए, आप आए ना अपना काम करिए, उसके बाद हम भी आ रहे हैं, तो आइए। बेगूसराय में घर में आग लग जाने से घर में सो रहे 5 लोग झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 महिला और एक किशोर का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना गढ़हारा ओपी के मरहारा वार्ड नंबर 11 की। उक्त मामले में अभी तक संशय बना हुआ है कि घर में किसी के द्वारा आग लगाई गई या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। यहाँ पे है सब भर्ती, एक उसमें बच्चा बहुत जला, बाकी 4 है पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस। 5 पेशेंट जो है जला हुआ, बिल्कुल 1 पेशेंट तो लगभग 100% जला हुआ, बाकी कोई 50%, कोई 70%, एक बच्चा भी है उसमें जो लगभग 25% जला हुआ। ये लोग बोलते हैं कि घर का दरवाज़ा जला हुआ था और बाकी जो है इनका कपड़ा जला हुआ। ये लोग ये नहीं बताते हैं कि किस चीज़। बक्सर जिले में कोरोना गाइडलाइन के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। बक्सर के डुमरौन मंडल में काजीपुर पंचायत में बाल बालाओं का डांस देखने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बाल बालाओं के डांस देखने के लिए उमड़ी भीड़ के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। एक तरफ जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तमाम सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण अनुपालन करने की अपील की जा रही, वहीं राज्य सरकार के द्वारा संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है, इसके बावजूद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए तमाम दिशा निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्रघाट स्थित गंगा नदी पर बने पीपा पुल से मछुआरों का नाव टकरा कर पलट गई, जिससे नाव समेत मछुआरे गंगा नदी के तेज धारा में बहने लगे। वहीं मछुआरों की आवाज सुनकर घाट किनारे मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, तुरंत गंगा नदी में और ऑपरेशन चलाकर मछुआरों की जान बचा ली। जो एनडीआरएफ की टीम ने बताया कि गंगा नदी में तेज बहाव होने के कारण मछुआरे कंगन घाट तक बहते हुए पहुंच गए थे। बताया जा रहा कि सोनपुर इलाके से मछुआरे नाव लेकर भद्रघाट आ रहे थे, तभी गंगा नदी में तेज बहाव होने के कारण नाव पीपा पुल से टकरा कर पलट गई और नाव समेत मछुआरे गंगा नदी में बहने लगे, जिसको एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर कंगन घाट से बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू आप लोगों द्वारा किया गया, ये जो है 3 मछुआरे पीपा पुल की साइड से आ रहे थे, पीपा पुल से बोट जैसे ही बोट टकराई बोट पानी में डूबने लगी और वो तीनों मछुआरे सचिन शाह और उसके दोनों बेटे बोट में लटकते हुए हमने तेज बहाव में बहते हुए देखे। जैसे ही वो तेज बहाव में बहते हुए देखे उनके चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, हमने तुरंत बोट निकाल करके एक्शन किया और कंगन घाट में जाकर के उनको उनकी बोट सहित और तीनों आदमियों को हमने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। नालंदा के सिलाव थाना के कढ़ाड़ रेलवे लाइन पर मालगाड़े के चपेट में आने से करीब 70 भेड़ियों की कटकर मौत हो गई। भेड़ मालिक ने कहा कि वो गया के रहने वाले और भेड़ चुराने के लिए सिलाव आया था। इसी दौरान भेड़ रेलवे ट्रैक पर ट्रैक पार कर रहा था और अचानक मालगाड़ी तेज रफ्तार से आ गई। भेड़ मालिक किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला, वहीं 100 भेड़ आ गए, जिससे 70 भेड़ की कटकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और बचे हुए भेड़ को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। उधर से ले आ रहे थे, समझ ना, ले आ रहे थे तो एक ठो रुक गया उधर में और भेड़ी सब आकर के यही जगह खड़ा हो गया। अच्छा, अब खड़ा हो गया, भाग रहे थे हम लोग कट जाते, बस एकदम आया भाई पर ले चल गया पटले। भेड़ इस रास्ते से जा रहा था पटरी के ऊपर लेकर, दोनों तरफ पानी ही है, उसको भागने का रास्ता नहीं मिला, उसी दौरान मालगाड़ी आया तो पूरा वो मारते हुए काटते हुए चल गया। आगे जाने के बाद ड्राइवर खुद अफसोस कर रहा, एक ही आदमी का ये भेड़ी था, वो बहुत बेचारा गरीब है, चरवैया है, उसको कुछ मुआवजा रेलवे सरकार ने दिया जाए उसको। नालंदा के पावापुरी ओपी थाना क्षेत्र के
शाम्भव शरण मंदिर के समीप खेलने के दौरान गड्ढे में भरे पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। मृतक झारखंड रांची के बुधवा उराव के चेवासवेटा रंजीत उराव और बघघरा बुद्ध को टोली निवासी सोमनाथ उराव के 7 वर्षीय आयुष उराव है। दोनों का परिवार ईट भट्टे पर काम करता था। देखने नहीं था कि थोड़ा देर में तुरंत चल गया और डूब गया। डूबाने गया था तब तक दोनों एक पार को अति किया और गिर गया दोनों। उधर कहिए नहीं जाता है आज गया था गिर गया। कितना साल का था मेरा लड़का? 6 साल। कोरोना काल में जहां लोग मौत से डरते हैं घबराते हैं, लेकिन किशनगंज में कुछ युवा पीढ़ी ऐसे हैं जो रोज मौत से रूबरू होते हैं, मौत का सामना करते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के खतरे के कारण इस वक्त जब लोग अपने रिश्तेदारों दोस्तों और पड़ोसियों के अंतिम दर्शन तक नहीं कर रहे, उस वक्त किशनगंज के कुछ युवा जो शवों को अर्थी पर रखकर शमशान घाट और कब्रिस्तान ले जा रहे हैं और सामाजिक दायित्व मानते हुए उनका अंतिम संस्कार करें। युवा पीपी किट और मास्क पहनकर लोगों का अंतिम संस्कार करें हैं। सिर्फ किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में इनके काम की सराहना लोग करें। अब तो तमाम युवा पीढ़ी संस्था के साथ कदम भी मिला रहे हैं। मेहरबानी है अल्लाह ताला, हम लोगों से खिदमत ले रहे हैं। अगर हम नहीं ठीक करेंगे तो अल्लाह ताला किसी और को जो है उससे भी खिदमत ले सकते हैं। हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम जितने हिंदुस्तानी भाई हैं चाहे वो जिस मजहब का हो, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उसको जो है उसके रीति रिवाज के एतबार से उसको तदफीन करना या उसका दाह संस्कार करना जिस टाइम में 24 घंटे किसी भी टाइम में हमें खबर मिलेगी हम जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी पूरी टीम है PFI की और जा करके उसके जो रीति रिवाज से इंशाल्लाह हम उसका दाह संस्कार करेंगे। इस काम के अगर कोई काम नहीं है, इस इंसानियत के अगर कोई काम ही नहीं है जो काम लोग किए हैं। हमने तो खाली फोन किया दो रुपया कटा। भोजपुर में ईट भट्टे के मैनेजर को पूर्व के विवाद और रंजीश को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के इब्राहिम नगर की है। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शव को पुलिस कब्जे में लेकर आरा सदर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नालंदा के भागन बिघा थाना इलाके के तूफानगंज गांव में समीप एक सिरफिरे युवक ने युवती को गोली मारने के बाद स्वयं को गोली मार ली। तो बता दें जिससे युवती की मौत हो गई जबकि गंभीर से युवक को पटना रेफर कर दिया गया। मृतका नूरसरा थाना इलाके के केवई निवासी संदीप कुमार के 21 वर्षीय पुत्री शबनम उर्फ बिंदु कुमारी है। रही प्रखंड के तूफानगंज ग्राम में बोलेरो पर जो है जा रहे थे लोग और तूफानगंज ग्राम के पास जो है बोलेरो से उतार करके पहले औरत को गोली मार दिया और खुद गोली मार दिया। अब अभी हॉस्पिटल में पता चला है कि अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है लेकिन पता चला है कि मुंगेर से खबर। एक तो कोरोना अब ऊपर से बाढ़ की आशंका पर इस बार जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष बाढ़ की संभावना को लेकर बाढ़ के पूर्व ही तैयारियां शुरू कर दी गई है जिसके लिए भागलपुर से SDRF की 6 सदस्य टीम मुंगेर पहुंची जहां टीम के सदस्यों ने लाइफ बोट लाइफ जैकेट सहित अन्य सामानों का जायजा लिया। टीम की अगुवाई भागलपुर बांका मुंगेर शेखपुरा और लखीसराय जिले के SDRF इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा कर रहे थे। बता दें कि जिलाधिकारी रचना पाटिल द्वारा बाढ़ की तैयारी को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि बाढ़ की संभावना को लेकर जिले में बाढ़ के दौरान बचाव दल द्वारा उपयोग में लाने वाले बचाव उपकरणों की जांच की आवश्यकता है जिसे लेकर SDRF की टीम मुंगेर पहुंची है। इनफ्लेटेबल रबर रेस्क्यू बोट और 4 OBM 150 लाइफ जैकेट और 8 लाइफ बॉय हैं जो सही कंडीशन में। कुछ खामियां हैं उसको आपदा प्रभारी महोदय को हम बता दिए, उसको दूर कर लिया जाएगा और उसमें SDRF की जो भी मदद होगी वो किया जाएगा। बाढ़ से पूर्व तैयारी सभी जिला में SDRF जहाँ जहाँ पर रबर रेस्क्यू बोट रखी हुई है वहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है और आपदा प्रबंधन का गाइडलाइन है कि वहाँ पर जा कर के चेक करें और जो भी खामियां है उसको बाढ़ से पूर्व दूर कर लिया जाए। वही कार्य में हम लोग
इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।